तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल। हमारे इस कोर्स में हम बात करेंगे, क्योंकि हमने फाइल मेनू वाला को कंप्लीट कर लिया है, तो हम क्लिपबोर्ड को पढ़ेंगे और इसमें हम बात करेंगे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल अब जैसे कि यहाँ पे हम कुछ नाम देते हैं, उसको हम फॉर्मूला लगाते हैं सीक्वेंस के लिए प्लस वन, फिर नीचे ड्रैग कर देते हैं और रैंडम नंबर रैंड बिक्री का फॉर्मूला लगाया जाता है रैंडम नंबर्स के लिए। रैंड बिक्री ये कैसे कैसे लगाते हैं? रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यहाँ लगता है, इसमें ओटीपी टाइप का होता है, हर बार आपको नया नंबर देता है। अब मैं इसको कलर कर देता हूं, ठीक है। अब मैं अगर इसको कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करता हूं, जैसे डेटा वैसा ही पेस्ट होगा, लेकिन मुझे पेस्ट स्पेशल करना है, मतलब कि हमें पूरा पेस्ट नहीं करना है, इसी में से हमें कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना है, राइट? ओके। तो इसके लिए हम बात करते हैं पेस्ट स्पेशल की। हम पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं, तो यहां पे देखिए पेस्ट ऑल दिख रहा है आपको, और इसमें ऑल मतलब करेंगे जैसा कॉपी पेस्ट करता है वैसी। जैसा कॉपी पेस्ट करते हैं उसी तरह से होगा, नॉर्मल फॉर्मूला अगर हम करते हैं तो इसकी फॉर्मूला को पेस्ट करेगा। अब कुछ बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं कि सर नेम ने कोई फॉर्मूला नहीं, इसको क्यों पेस्ट किया? तो फॉर्मूला का मतलब होता है जो फॉर्मूला बार में जो विजिबल, चाहे वो फॉर्म डेटा हो या आपका फॉर्मूला, उसको शो कर। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए वैल्यू की। पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू, पेस्ट एज वैल्यू क्या करता है कि वो सिर्फ इसकी जो कंटेन है उसको पेश करता है। अब रैंड बिटवीन बार 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 नंबर चेंज कर रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, रैंड बिटवीन काम ही है कि जब भी कोई सीट पे इवेंट होगा जब भी कोई इवेंट होगा तो अपने आप को रिजल्ट चेंज करता है। तो पेस्ट फॉर्मूला वैल्यू क्या करता है, देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं आया, वैल्यू लाता है। तो कभी 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 ऐसा होता है कि फॉर्मूला आपने उठा के नहीं लेना, सिर्फ वैल्यू लेना है, तो वैल्यू को लेके आता है।
जैसे अब एक चीज और भी है, जैसे मुझे अभी यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर रखा तब जाके मेरा फॉर्मूला रिमूव हुआ, मैं चाहता हूँ कि जहां मेरा लोकेशन है वहीं से फॉर्मूला रिमूव हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मेरे हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये कंप्लीट जो हो, इसकी जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो रिमूव हो जाए, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू कर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका फॉर्मूला रिमूव हो, ठीक है? ओके राइट। अब इसका यूज ऑफिस में करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई ऑफिस का फाइल ओपन करता हूं, कोई रिपोर्ट ओपन करता हूं, रुकिए, मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड को ओपन करता हूं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारा डेटा रिपोर्ट बना हुआ है, बना हुआ है बिल्कुल। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले लगे हैं जो कि अलग अलग शीट से, अगर मैं इस फाइल इस शीट को अगर किसी को भेजना है मुझे, तो अब मैं पूरा फाइल नहीं भेज सकता क्योंकि इसमें और भी डेटा और भी रिपोर्ट्स हैं मेरे, तो अगर पूरा फाइल को मैं भेजूंगा तो दिक्कत हो जाएगा ना सर, या फिर मैं भेज ही नहीं सकता क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा है। तो मैं इसको क्या किया, इस पर राइट क्लिक किया, मूव एंड कॉपी पे गया, क्रिएट कॉपी, और यहां से न्यू वर्कबुक को ओपन किया, तो ये जो आपका रिपोर्ट था कॉपी होके यहां आ गया। ठीक है, ठीक है। अब बट इसकी फॉर्मूला तो रिमूव नहीं है सर, तो एक एक कॉपी पर जो फॉर्मूला रिमूव करने के बजाय मैं वन और ए के बीच में यहां है इस पर क्लिक किया एंड कॉपी किया, और इसके ऊपर हमने पेस्ट स्पेशल किया और यहां पे हमने वैल्यू कर, तो पूरा एक बार में देखिए आपका वैल्यू हो गया और सारे फॉर्मूला रिमूव हो गया। देखिए कोई फॉर्मूला नहीं इसमें, ये कैसे हुआ? हमने पूरे सीट को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल में वैल्यू सिलेक्ट करके कॉपी कर, पूरे वैल्यू को सिलेक्ट करके उसको अपने कॉपी कर लिया, उसके बाद जो है राइट क्लिक करके और वैल्यू सेलेक्ट कर पेस्ट कर दिया, ठीक है? जी हाँ। अब इसको सेव करके मेल कर देंगे, ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें आगे बढ़ते हैं,
अब इसको कॉपी करके हम यहाँ पे अगर पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट स्पेस हमने, और यहाँ पे आपके सामने फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेटिंग भी करेगा सर। अब फॉर्मेटिंग में मुझे इसमें इसमें कमेंट होता है, राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट अगर आप करते हैं, यहां पे राइट क्लिक किया क्विक शॉर्ट चेंज हो गया, इंसर्ट कमेंट जो होता है मेरे में है 2013 का जो ऑप्शन बदल गया है, सो ऑफिस 365 बदल गया, यहाँ से रिव्यूज भी ले सकते हैं कमेंट, ठीक है। ओके अब यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए कि दिस इज फाइनल मार्क्स, तो क्या होगा, कॉपी कीजिए और जहां आपको पेस्ट करना है सिलेक्ट कीजिए पेस्ट स्पेशल और यहाँ कॉलम विड्थ सेलेक्ट कर लें, यहाँ सॉरी कमेंट सेलेक्ट कर लें, तो सिर्फ आपका कॉलम कमेंट पेस्ट करें, राइट। उसके बाद अगर मैं इसको इसको मान लीजिए अगर हम कॉपी करते हैं और इसे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में हमारे पास जहां नो बॉर्डर होता है ऑल स्टेक बॉर्डर, नो बॉर्डर क्लिक कीजिए, आपका बॉर्डर नहीं आया। अब एक चीज और है, अभी जो आपने रिपोर्ट में देखा, उस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से मैं कॉलम का हमारा एक छोटा किया हुआ था, साइज फिट किया हुआ था, जैसे एक पेज पे प्रिंट हो जाए उसके हिसाब से। अब मैं इस डेटा को कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करता हूँ, मैंने यहाँ भी पेस्ट कर दिया, तो मेरा कॉलम का साइज पेस्ट नहीं होता है, ठीक है। कॉलम की साइज पेस्ट ना होने से फिर प्रिंटिंग बनाने में व्यू बनाने में दिक्कत हो जाएगा ना सर, बिल्कुल। तो उस केस में मैं यहाँ पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे कॉलम विड्थ कर, अब ध्यान रखिएगा कि कॉलम विड्थ जो है वो सिर्फ विड्थ को पेस्ट करता है, बाकी डेटा को, डेटा चाहिए तो इसके ऊपर आप मैनुअल पेस्ट कर दें या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करते समय जो यहाँ कमांड आता है ना सर, इसमें आपके सामने होता है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, राइट। एक सेकंड सर, ओके हेलो सॉरी सर, समझ गया सर जी हाँ, कॉलम बिट समझ में आ गया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे डेट डालता हूं कुछ, और इस डेट पे मैं
बॉर्डर डाल देता हूँ इस तरह से। अब मैं इसको इसको कॉपी करता हूँ और किसी जगह पे इसको पेस्ट स्पेशल में वैल्यू कर देता हूँ या फॉर्मूला कर देता हूँ तो ये नंबर आ जाता है। अब चलिए पहले इस नंबर को समझते हैं, ये नंबर क्या है। तो 43709 ये आपका नंबर ऑफ डेज है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कि एक दिन, मतलब 1 जनवरी 1900, क्योंकि आपका कंप्यूटर कैलेंडर 1900 से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं इसमें 100 डेज लिख देता हूं, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे 10/7/1896 करता हूं तो ये डेट नहीं रहेगा, ये टेक्स्ट। अगर मैं 32 दिन करता हूं तो महीना चेंज हो गया, 300 ईयर चेंज हो गया। ऐसे मैं 43709 दिन डालता हूं तो ये आपका ईयर आ जाता है, डेट आ जाता है। तो डेट का फॉर्मेट इस तरह से इसको किया गया। अब इसमें ये हो गया। अब इसमें एक चीज और है कि ऐसा क्यों किया गया। देखिए क्या है कि सिंपल सा मेथड है, किसी भी नंबर के साथ अगर टैक्स लगा है तो इस पर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। फिर डेट अगर हमारा डेट फॉर्मेट में होता तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं? लेकिन जब इसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये आपका 1 सितंबर 2019 विजुअल है, ओरिजिनल वही है जब आप इसको जनरल करते हैं 43709। जब हम पेस्ट स्पेशल में पेस्ट जो वैल्यू करते हैं तो रिमूव ऑल फॉर्मेट्स, तो डेट भी का फॉर्मेट है तो उसको रिमूव कर देता है। तो अगर आपको डेट के फॉर्मेट या नंबर के या टाइम के फॉर्मेट रखने हैं तो पेस्ट स्पेशल में आप आए और यहां पे आपके सामने दिख रहा है यहां फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट, उसको क्लिक कर आपका जो नंबर की फॉर्मेटिंग है उस नंबर की फॉर्मेटिंग को रखेगा। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट इसमें? जी नहीं, डाउट तो नहीं है ना? नहीं नहीं इसमें डाउट। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। जैसे हम यहाँ पे 20 है, ये आपको रिसर्च करना है, ध्यान से देखिएगा 20 है। अब मैं 20 को कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहां पे पेस्ट एज ए यहां ऐड कर दिया। तो अब नॉर्मली पेस्ट करते हो तो 20 30 को रिप्लेस कर देगा, लेकिन पेस्ट स्पेशल में अगर ऑपरेशन में नन के अलावा हमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। ऐड कर दिया ऐड यहाँ 50 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दे दिया। ठीक है सर, बिल्कुल। अब क्वेश्चन इसमें ये आता है कि एक्चुअली इसका हमारा यूज क्या है, तो ये आपको रिसर्च करने है। ठीक है सर, अच्छा ओके, ये आपको रिसर्च करनी है और रिसर्च करके मुझे बताइए कि आखिर इसका यूज क्या है। अभी अभी रिसर्च करना? हाँ अभी रिसर्च करिए, बाद में ऑफिस चले जाने में टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। क्या क्लासरूम में तो प्रैक्टिकल करते हैं ना सर, मुझे आपका प्रैक्टिकल अभी आप रिसर्च करके मुझे भेजिए, मैं वेट करता हूँ। मतलब किस तरीके का रिसर्च? इस फीचर को आप अपने ऑफिस में या किसी ऐसी रिपोर्ट पे कैसे इस्तेमाल करोगे जिससे आपको बेनिफिट हो? आपने ऑप्शन तो जान लिया ना कि भाई मल्टीप्लाई करने पे जहां से कॉपी होता है पेस्ट होता है मल्टीप्लाई हो जाता है या ऐड हो जाता है, लेकिन इतना जानने से तो जरूर नहीं हो जाएगा ना सर, इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? बहुत तरीके से हो सकता है, तो आप रिसर्च करें और मेल पे डाल के मुझे भेजें, मैं आराम से बैठ के देखूंगा। तो मेल डेटा बना के भेजना पड़ेगा? हाँ डेटा बना के भेज दे, चाहे मेल पे लिख दे, चाहे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दे। मेरे पास इसका ऑलरेडी एक दो एग्जांपल है, मैं आप लोगों से देखना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ नया एग्जांपल मिल जाए मुझे। ठीक है,
और अलग अलग एंगल से तसल्ली से रिसर्च कीजिए, जल्दीबाजी नहीं है, समझे? मिलते हैं कल सेम टाइम, और कल हम बात करेंगे एडवांस बेस स्पेशल की। बिल्कुल बिल्कुल, कल